जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने ढाया कहर। वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, मोहम्मद शमी ने इस साल ICC वर्ल्ड कप में दूसरी मरतबा 5 विकेट ले लिए हैं। श्रीलंका के विरुद्ध मैच में शमी ने 5 ओवर में सिर्फ 18 रन देकर के 5 विकेट झटके। शमी को वर्ल्ड कप में देर से मौका मिला। दोस्तों पांचवें मैच मैदान पर उतरते हुए शमी ने 5 विकेट लेकर के अपनी छाप छोड़ी। इसके बाद अगले मैच में 4 विकेट और तीसरे मैच में फिर से 5 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने महज 3 मुकाबलों में 14 विकेट अपने नाम कर दिए हैं। इस प्रदर्शन के साथ ही शमी के नाम वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड जहीर खान के नाम था। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप में अब तक खेले 14 मैचों में 45 विकेट लिए हैं। इसमें शमी 3 बार 5 विकेट और 4 बार 4 विकेट लेने में सफल रहे। इससे पहले जहीर खान के नाम 23 मैचों में 44 विकेटों का रिकॉर्ड था। जहीर खान ने 2011 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाई थी। जहीर खान के नाम एक समय में 4 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। भारत के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने विश्व कप के 34 मैचों में 44 विकेट लिए। श्रीनाथ ने 2 बार 4-4 विकेट लिए। भारत के महान स्पिनर अनिल कुंबले के नाम 18 मैचों में 31 विकेट लेने का रिकॉर्ड है। भारत की पहली विश्व कप जीत के नायक कपिल देव ने 26 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके नाम 28 विकेट हैं।